प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम इकट्ठे हुए हैं दोबारा कुछ बात करने के लिए। जब मैंने एक ऐसा हमेशा ही देखा है कि जो कहते हैं लोग ऐसे कि जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो सब लोगों का ऑपरेशन एकदम सही ढंग से कर पाते हैं, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के। लेकिन जब खुद के घर में से अपने ही बेटे का, बेटी का या ऐसे कोई ऑपरेशन करना होता है तो वो लोग डर जाते हैं, हिचकिचाते हैं, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा उनके साथ सोल अटैचमेंट में होते हैं, उनके रिश्तों में। तो इसकी वजह से वो उनके ऑपरेशन को करने का हियाव उनके अंदर वैसा नहीं रहता है जैसे वो दूसरों के करते हैं। ओके, तो इसी तरह से मेरे भी फैमिली में, मम्मी की तरफ से जो फैमिली के रिलेशन से, उनके लाइफ में मैंने एक समय ठहरा के रखा था, परमेश्वर मुझे वो एरिया ऑफ लाइफ साफ करने का मौका देगा। ओके, और सच में परमेश्वर का वचन सच है ये कि जो काम करने वाले हैं बहुत कम है। ओके, और खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है। ओके, तो मजदूर के लिए हमको प्रार्थना करना है। जब मैंने ये एरिया ऑफ लाइफ जो मैंने परमेश्वर से इंतज़ार करके मैंने अभी प्राप्त किया है उसके ऊपर काम करना, तब मैंने ये बात को देखना शुरू किया। जैसे जैसे परमेश्वर मुझे वो मेरे घर, मेरे मम्मी के फैमिली के बैकग्राउंड का बातें जब मुझे परमेश्वर एक एक खोलता देखने के लिए दे रहा है, तब मैं वही बैकग्राउंड को मेरे इर्द गिर्द के, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों के जीवनों के अंदर भी उनको देख पा रही हूँ। ओके, तो ये हो गया। ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसको परमेश्वर जब तक कुछ चेंजेस नहीं करता है माय फ्रेंड्स, तो उसके उनके लाइफ के अंदर वो अंधेरा उनको आगे का समय देखने नहीं देता है। ओके, मैंने हमेशा ये डायलॉग को सुना है कि हमको ये बैड हैबिट्स है, हमको वो बैड हैबिट्स है, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हमने काफ़ी पैसे लगाए और हमने फेल करा दिया है, वो लोगों ने हमको बहुत सारा ऐसा हम लोगों को सुनने को मिलेगा, और लोन में फंस गए हैं, लोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हाँ, और फैमिली डिस्टर्बेंसेस, काफ़ी ऐसी बातें हमने सुन रखी है। और मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी जब देखती हूँ तो मेरे अंदर का जो प्रकाश है, जो मैंने परमेश्वर से एक इंतज़ार करके मांगा था, ये नहीं है कि मुझे इसके विषय में ये ज्ञान नहीं था या मैं इस विषय में अज्ञान है इसी वजह से मैंने इंतज़ार किया, ऐसा नहीं। मैं इंतज़ार इसलिए कर रही थी क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जुआ तोड़ता है माई फ्रेंड्स। ओके, तो हमारे जानने और ना जानने के ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंड नहीं है। हमको परमेश्वर का आत्मा अगर उस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर लेकर जाएगा, ओ माय गॉड, तो ज़बरदस्त परमेश्वर का उसके अंदर ब्रेक थ्रूस शुरू हो जाएंगे, पार होकर निकल जाना शुरू हो जाएगा लोगों का। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ जब मैं अपने मम्मी के फैमिली के अंदर का परमेश्वर अब मुझे एक प्रोजेक्ट की तरह हाथ में दे, मैं उसे स्वीकार चुकी हूँ। ओके, एक प्रोजेक्ट की तरह, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत बड़ा ऐसे थ्रेड का अगर एक इकट्ठा करके रखा हुआ है और फिर उसको आप सही तरह से सिंगलनेस में आप खोलना चाहते हैं तो आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, परेशानी का लगता है, तो आपको शुरुआत करना पड़ता है कहीं से। तो हमने उसका एक थ्रेड से शुरुआत किया। ओके, तो वो इस तरह से मैंने एक इंसान को पहले प्रभु के चरणों में लाके रिलीज़ कर दिया। अभी इसके बाद वो एक प्रोफेसी हुआ था अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के, आप देखते होंगे उनका लाइव डिस्प्ले, तो आपको उनमें देखने को मिलेगा। वो बोल रहे थे कि अभी आपके घराने के अंदर से लोग विश्वास में आना शुरू करेंगे, आपके परिवार के लोग विश्वास में आना शुरू करेंगे। ओके, तो मैंने वो जब सुना तो मैं सच कहती हूँ, मेरे माइंड में ज़रा भी ये नहीं था कि मेरे घर में ये जो एरिया ऑफ लाइफ है जिसके बारे में मैंने इंतज़ार रखा है,
कि परमेश्वर का अभिषेक मुझे उसके अंदर से होकर निकालेगा और मैं यहाँ का कुछ बात चेंज कर पाऊंगी। ये जो एक एरिया ऑफ लाइफ मैंने देख रखा था लेकिन मैं काम नहीं कर रही थी उसके अंदर, तो मैंने इंतज़ार के वक्त में ये देखा कि उस एरिया को बहुत सारे बिलीवर्स ने घेर के रखा है, ओके, बहुत सारे पास्टर्स लोगों ने घेर के रखा है, बहुत सारा चीज़ें हैं उसके अंदर। तो मैंने हमेशा ये विश्वास किया कि अगर इतने अच्छे लोग उस एरिया ऑफ लाइफ को, मेरे मम्मी के फैमिली रिलेशंस में ये एक एरिया ऑफ लाइफ को परमेश्वर के लोग है उनके लाइफ के अंदर, तो हम उनके ही हाथों में ये काम रहने दें, उसके अंदर हम खींचातानी ना करें, ताकि वो लोग एक मन से वो काम पूरा कर सके। लेकिन मैंने देखा कि वो जो एरिया ऑफ लाइफ है वो बदतर से बदतर होता जा रहा था, और मैंने ध्यान नहीं रखा, मैंने ये विश्वास रखा परमेश्वर सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है, वो अगर वहाँ परमेश्वर के दासों को मौजूद रखा है तो चलो कोई बात नहीं, पहाड़ नहीं हिला सके तिनका तो ज़रूर हिला देंगे उनके जीवन में, मुझे कोई परवाह नहीं है उन्होंने कितना काम कर दिया कितना नहीं किया, लेकिन उनकी उपस्थिति ने वो लोगों के अंदर जो एरिया ऑफ लाइफ है मम्मी के फैमिली रिलेशंस का, उनके बैकग्राउंड का जितना भी एरिया ऑफ लाइफ है उसके अंदर एक तिनका भर भी चलेगा मुझे, इतना तो सहायता वो परमेश्वर के लोगों ने उसमें करके रखा था, ओके। और जब ये भविष्यवाणी हुई कि आपके परिवार के लोग अब विश्वास में आना शुरू करेंगे, तो मैंने इसके विषय में ज़रा भी नहीं सोचा था, ओके, मैंने ज़रा भी ऐसा नहीं, मेरे ऐसे ख्यालों में आया ही नहीं कि ये एरिया ऑफ लाइफ है जिसका मैंने वेट किया है, इंतज़ार किया है, इसके विषय में ये भविष्यवाणी होगी, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा उसको मेरे फोकस में से अलग रखा था कि वो मुझे ज़रा भी विचलित नहीं करेगा, क्योंकि मैं इमोशन से उसको डील नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जटिल सा रिलेशनशिप्स उसके अंदर पड़े हुए थे सबके, और सारे एक दूसरे के अंदर इस तरह से जैसे गड़बड़ियों में रिलेशनशिप्स ऐसे होके बैठे थे कि कहीं पर एक को आप ठीक करने की कोशिश करोगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा और तीसरा फ़ायदा उठाएगा और चौथा झपट लगाएगा, इस तरह के वो सेंसिटिव एरियाज उन्होंने एक दूसरे में ऐसे अटका के रखे थे, ओके, इस वजह से मैं उसको छूना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही जटिल ऐसा एक अवस्था था वो मम्मी के फैमिली बैकग्राउंड में, तो मैंने छोड़ दिया उसको फोकस में से, क्योंकि मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जब परमेश्वर अगर मुझे उसके बारे में खुलकर अगर सहायता नहीं देता है तो मैंने उसके अंदर जाना मतलब अपने आप को खुद होके चैलेंजेस के सामने खड़ा कर देना, ओके, तो इसके लिए मैंने उसको चैलेंजेस में नहीं लिया और ना ही मैं उससे डरती थी चैलेंजेस से, लेकिन मैं ये चाहती थी कि खुदा का समय सबसे बड़ा समय रहता है, वो चाहे लोग मर भी जाए उसके अंदर आई डोंट केयर, ओके, लेकिन मुझे चाहिए कि खुदा कुछ करे तो मैं वहाँ पर कुछ कर पाऊँगी, अगर खुदा नहीं कर रहा है तो मैं वहाँ पर होना व्यर्थ की बातें हैं और ज़्यादा मैं उसमें फंसते जाऊँगी और उनके समानता में मेरा भी एरिया ऑफ लाइफ जटिल समस्याओं से घिरता जाएगा, क्योंकि वो सेंसिटिव एरियाज ऑफ लाइफ थे हर एक फैमिली मैटर्स के। तो मैंने वो एरिया ऑफ लाइफ को अभी देखा, ये परिवार का जब भविष्यवाणी हो रहे थे तो इसके बाद एक समय कट गया और अचानक से उन रिश्तेदारों के अंदर से एक इंसान मेरे नज़दीक के घर में आके रहने लगा था, एकदम नेक्स्ट डोर कहेंगे तो भी चलेगा, ओके, तो इस तरह से उस एरिया ऑफ लाइफ को मैंने देखा कि परमेश्वर ने यहाँ लाकर तो रखा है इस इंसान को, उन्हीं जटिल समस्याओं के अंदर से आया हुआ है ये इंसान जिसको मैंने परमेश्वर से एक प्रोजेक्ट के रूप में इंतज़ार पर रखा है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह करे और मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन वो इंसान मैं भरोसा नहीं कर रही थी कि वो इंसान परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है पूरी तरह से जादू टोना के आधार के ऊपर घिरे हुए लोग हैं, ओके,
तो उनके हर एक समस्याओं को वो जादू टोनाओं से सॉल्व करते हैं, और वो जादू टोनाओं में एक दूसरे को फंसा देते हैं, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से ऐसे फंसा देते हैं, प्रॉपर्टीज एक दूसरे के, पैसे और जो भी ब्लेसिंग्स है सब कुछ वो जादू टोनाओं के कब्जे में से अपने कंट्रोल में रखते हैं। ओके, इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने उनके अंदर कुछ चेंजेस करना तो बहुत ही डिफरेंट बात थी, क्योंकि मैंने उनके अंदर अंधेरे के अंदर प्रकाश को लेकर जाना, तो प्रकाश का ऑलरेडी एक पक्का मजबूत यूनिटी है और उसके अंदर मैं प्रकाश को लेकर जा रही हूँ, तो वो यूनिटी है उनके अंधेरे के, और उसके अंदर वो लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं कुछ भी मैं कहूँ तो मेरे काम वो क्या टिकने के लिए रखेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं व्यर्थ काम नहीं करना चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि मैं एक दो मुलाकात करूँ और बाकी सब कुछ ठीक होना है, और ऐसा ही हुआ माय फ्रेंड्स। ओके, मम्मी ने बहुत परेशानी उठाया उस फैमिली रिलेशन के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको उनके बारे में बहुत ज़्यादा विचलित है मन, यहाँ नज़दीक हमारे फ्लोर में आए हुए हैं, तो हमको बहुत ध्यान रखना है उनके ऊपर, वो वैसे भी सही दशा में नहीं है। और मैंने मना किया, मैंने कहा मम्मी आप बेकार में इमोशनल हो रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, वो लोग जादू टोना करके अपने आप को संभाल रहे हैं, और प्लस वो लोग हम लोगों को भी उसमें फंसा देंगे, उससे अच्छा उनको जो करना है करने दीजिए, परमेश्वर का समय है, उस समय में हम उनको देख सकेंगे। अभी आप जाएंगे तो वो बेकार का एक और एक जटिल समस्या हमारे साथ घिर जाएगा। तो नहीं माना मेरे मम्मी ने, और वो रोते रही रोते रही, और मैंने देखा कि वो खाना खाना छोड़ दिया उसने, सब कुछ इतना बिकट कर दिया उसकी अवस्था को, जैसे वो ऐसे वो देख रही थी कि एकदम असहाय हो रही है, क्योंकि मैंने उसको मना कर रखा है वो रिश्तेदारों के साथ नहीं रहना है आप ऐसे करके। तो मैंने बोला प्रभु से कि प्रभु ये तो बहुत ही विचित्र लग रहा है मुझे, ऐसा कि ये रोए जा रही है, ये इतनी व्याकुल हो रही है, ऐसा क्या इसको ऐसे मंत्र मार दिया है किसी ने कि ऐसे उसके रिश्तेदारों के लिए ऐसे तड़पने लगी है, ऐसे क्या करके रखा है इसको। और मैंने उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और मैंने ब्रेक किया, मैंने उसको अच्छे से फ्री कर दिया, और मैंने फिर बाद में अनुभव किया कि परमेश्वर उसको कुछ दिखा रहा है उस इंसान के बारे में। मैंने कहा मम्मी अगर आपको परमेश्वर दिखा रहा है तो ये मैं आपके आड़े में आना ये तो मूर्खता की बात है, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और फिर मैंने आगे बढ़ने के बाद में अनुभव किया कि मैंने सिर्फ दो या तीन मुलाकात किए, और बस चौथे मुलाकात में सीधा उसका वाटर बैप्टिज्म हो गया, और प्रभु के राज्य में वो उतर कर आया, और जोश के साथ उसका करियर उसने हाथ में उठा लिया। ओके, और इसके वक्त में अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो जब आप वाटर बैप्टिज्म लिए आप बाहर निकल आए, जस्ट मैंने दो या तीन मुलाकात के इतने ही अंतर में ये आ गया है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल भी मेरी ताकत से नहीं, मेरे बल से नहीं, ये मैंने इंतज़ार रखा परमेश्वर के सामने कि तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ अगर मुझ पर नहीं आए तो मैं ये काम करना तो असंभव है। ओके, तो मैंने कभी अपनी ताकत को उठाकर अगर अगर आगे बढ़ जाऊँ तो वो मैं फ्रस्ट्रेट होकर रिटर्न आ जाऊँगी, ऐसा हालत रहता है। लेकिन ये एक एरिया ऑफ लाइफ है कि परमेश्वर ने इसमें मुझे महिमा दिखाया कि उसने जो मैंने जो मांगा उस तरह से समय के अनुसार सामर्थ्य दिलाया, और मेरी ज़्यादा मेहनत ना होते हुए वो वाटर बैप्टिज्म भी होकर आ गया, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ओके, अब मेरा शुरू हो गया, ये धागा का एक टोक जो रहता है, एक सीरा जो रहता है उसको मैंने लिया है हाथ में ये इंसान। ओके, और अब इसके इसके पीछे जितने कनेक्टेड है सबको मैंने अभी उसके ऊपर प्रोजेक्ट की तरह काम करना स्टार्ट किया है, और ये समय में जब परमेश्वर मुझे प्रकाशन दिए जा रहा है, बताए जा रहा है मुझे एक एक चीज़ें, आई रियली टेल यू माई फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको, केवल आप अनजान हैं इसके लिए, आप इतने आराम से लोगों के बीच में रह रहे हैं। हाँ, अगर आपको ये चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ अगर आपने देखा होता तो आप आराम से नहीं रह सकते थे। ओके,
आप विचलित हो जाते थे, क्योंकि ये अंधेरे के पीछे जो जो हम नहीं देख पा रहे, ओके, हमको सिर्फ क्या दिखाई देता है माय फ्रेंड्स, हमको सिर्फ ये दिखाई देता है कि ये इंसान है, ओके, और ये फैमिली है, ये इंसान है। हाँ, और हम देखते हमारे ये नेबर्स है, ये हमारे सेकंड फ्लोर में रहते हैं, वो हमारे थर्ड फ्लोर में रहते हैं, ये फैमिली है, वो फैमिली। आपको दुष्टता के लोग क्या क्या करते हैं, ये सब जादू टोना के विषय में बताया गया है। वो क्या कैसे आपको इंतज़ार करते हैं, किस तरह से वो मन के इतने ढीठ रहते हैं और पाप में ढीठ रहते हैं, किस तरह से लोगों के सत्यानाश करते रहते हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर, ओके। और दाऊद में आप देखेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता को किस तरह से उसने इन लोगों के खिलाफ ऊंचा उठाया है, ओके। नीति वचन में आप देखेंगे कि यही लोग दुष्टता करने वाले किस तरह से बिल्कुल निर्दयी होते हैं और बिल्कुल मूर्खता के रहते हैं, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रहती है, इतने बदतमीज होते हैं वो लोग, इतने बदतमीज। एक पास्टर है, वो मेरे घर में आ रहे थे, ओके, हम सब मिल के आ रहे थे, और मैंने उनको बोला देखिए आज ये दिन है, और अब देखना मेरे लिए किस तरह से सेटिंग लगी हुई रहेगी हमारे कैंपस के अंदर। और सही में हम लोग आते ही गेट के वहाँ पर ही मैंने प्रेयर किया था और यीशु का खून छिड़क दिया था और आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। और जैसे ही मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, एक एक करके जादू टोना करने वालों का काम, एक एक यहाँ से, एक वहाँ से, यहाँ से चीखे लगाने वाले बच्चे दौड़ के आ रहे, वो लेडी ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, मुझे क्रॉस करके जा रही है, मेरे पीछे से कोई दूसरा आ रहा है, गेट को बंद किया, फिर गेट के को खोला, क्या क्या नहीं किया जाता है। और ये सब मैं उनको बता रही थी, और वो वहाँ से होकर आते समय इतने डर रहे थे, वो बोल रहे थे हाँ हाँ ठीक है रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई, अरे ये भी जादू टोना किया उनके ऊपर कि वो उनको दब कर देखे, ओके। मैंने उनको बोला आप पासवान हैं, आप अगर दबकर उनके सामने ऐसा सोचेंगे वो इंसान है और आप उनकी इज्जत देना चाहते हैं उनको, तो आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको हम लोगों को फंसाने में शर्म नहीं आता है, डर नहीं लगता है, हमारे लिए फंदे बनाकर उसके अंदर हमको उतारने में उनको डर नहीं लगता है, हाँ बेइज्जती नहीं लगती है हमारी, तो फिर वो इंसान को आप क्यों इज्जत से देखना चाहते हैं, ओके। क्यों आप उनके सामने दबना चाहते हैं, आप भी लायन की तरह बोल्ड रहकर नजरें मिलाकर देखिए कि ये है वो इंसान, वो ऐसा कर रहा है, और वो इंसान नहीं है, वो स्पिरिट है, वो स्पिरिट है, ओके। और इतना 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 चालबाज रहते हैं ये स्पिरिट्स कि अब और कोई रास्ता नहीं, तो वो आपको ऐसा भी बना देंगे कि आप खुद होके उनके जाल में अपने पैरों से चलकर गिरेंगे, इतना भी वो लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, इतना भी वो अपना जोर बढ़ा देते हैं कि उनके स्पिरिट्स हमको इस तरह से बातें करते हैं हमारे सोचों के अंदर से, और हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो स्पिरिट्स ने हमारे साथ बातें की हैं, ओके। जो रिश्तेदार को मैंने अभी आपको बताया, जो प्रभु में आ गया, अभी बपतिस्मा लिया उसने, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो स्पिरिट्स उसको अभी भी ये बात से डराते हैं, और वो मुझे बोल कर दिखाता है कि मेरा ऐसा है कि मैं ऐसे सोचता हूँ कहीं मैं दोबारा उन गलतियों में तो नहीं फंसूंगा दोबारा, मतलब वो स्पिरिट उनको उसको आत्मा में दिखाई दे रहे हैं, उसके प्राण को वो अभी भी पछाड़ रहे हैं, उसके आत्मविश्वास को वो अभी भी कमज़ोर रख रहे हैं। हाँ, अब ये बात उसने बोला तभी मैं आपको बता पा रही हूँ, अगर वो नहीं बोलेगा तो वो स्पिरिट उसको इसी तरह से अंदर से उसको कमज़ोर बनाए रखेंगे, और फिर जब वो गलती कर देगा तो वो ऐसा बोलेगा कि मुझे पहले से ही लग रहा था ऐसा। तो कैसे क्या लग रहा था अंदर से, वो स्पिरिट आपको इनविजिबल, अंदर से नहीं इनविजिबल, अदृश्य में से वो स्पिरिट्स आपको परेशान करके आपको सुना रहे होते हैं, ओके। और ये स्पिरिट्स इतने होते हैं, गैंग में होते हैं, गैंग में, एक और दो नहीं, गैंग में होते हैं, ओके। जैसे जैसे चींटियाँ छोड़िया मक्खियाँ रहती है ना, मक्खियाँ इकट्ठी कैसे रहती है,
उस तरह की ये गंदी स्पिरिट्स होती है माय फ्रेंड्स, ओके। तो इसकी वजह से उनको कंट्रोल में लाकर इस्तेमाल करने वाले हकीम लोग रहते हैं, ओके। वो हकीम कैसे बने, वो हकीम का स्पिरिट है उनके अंदर, इसके लिए वो जादू कर पा रहे, इसके लिए वो टोना कर पा रहे, इसके लिए वो सैतन की वर्शिप कर पा रहे, ओके। और जो जो बहुत ही माहिर है जादू टोना करने में, वो लेडी मेरे आगे से गई और वो पहले ही, मैं गेट में से अंदर आने के पहले ही बोल रही थी मैं कि देखना अब ये है ऐसे ऐसे, ये यहाँ के है, वो वहाँ के है, वो वहाँ के, अब देखना कैसे मेरे लिए सेटिंग लगी होगी। ऐसे में बोल कर आ ही रही थी वो पास्टर को, और जैसे एंट्री किया तो वो पास्टर मुझे इतना ही पूछ रहे थे, क्या वो सिस्टर क्रिश्चियन है क्या? तो मैंने बोला, अरे वो सैटनिक चर्च के मेंबर है ओके। आप उसको इतना उल्लू मत समझिए, इतना वो भोली भाली नहीं है, आपको पहचानना भी नहीं आएगा, ऐसा मैंने उनको बोल दिया था। और सच में जैसे ही हमने एंट्री किया और मैंने जिस विषय में बोला था वो ही लेडी सामने थी, और एग्जैक्टली यही वो पास्टर ने कहा, ये तो क्रिश्चियन लगती है आया समझ में? तो मैंने बोला उनको, यही वो है जिनके बारे में मैं आपको बोल रही थी, धोखा नहीं खाना, ओके। जबरदस्त टोना करने वाली स्त्री है वो, लेकिन उनकी मासूमियत, क्रिश्चियन लोगों का जो मासूमियत होता है वो उनके चेहरे पर, वो इस तरह से वो स्पिरिट उसके चेहरे पर लाता है, कोई भी इंसान उसको अगेंस्ट नहीं समझेगा, एकदम फ्रेंडली समझेगा। ऐसा ऐसा उत्पन्न हो जाता है उसके चेहरे को, ऐसा देखेंगे ना, इतना कुछ नहीं, एक इवन जो बोलते हैं ना चेहरे के ऊपर एक लाइन रहती है ना, जो बूढ़े होते हैं तो एक लाइन जैसे दिखाई देते, वैसा भी नहीं है उनके ऊपर, ओके। इस तरह का चेहरा, इतना वो कंट्रोल करके वो स्पिरिट उसके चेहरे को शांत रखता है कि आप इतना बड़ा धोखा खा जाएंगे कि आपको लगेगा ये बहुत ही ऐसे एकदम क्या कहेंगे, सीधी साधी लेडी है। बिल्कुल नहीं माय फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने उसको फाइट किया है स्पिरिट वर्ल्ड में, मैंने देखा है वो क्या है, ओके। इस तरह का वो नकाब पहने हुए स्पिरिट्स उनके ऊपर रहते हैं, जो स्प्रे परफ्यूम्स लगा के, ये सारा जादू टोना का हथियार है, ओके। और जैसे मैंने बोला था वैसा ही वो पास्टर ने बोला, उन्होंने बोला, अरे ये तो बिल्कुल लगता नहीं है ऐसे करती होगी। मैंने बोला, ओह माय गॉड, ये पासवान है लेकिन इनके पास वो अभिषेक की ज़रूरत है कि वो जो काला है काला कह सके, जो सफ़ेद है वो सफ़ेद कह सके। सच में अभिषेक की ज़रूरत है, इतने धोखेबाज होते हैं ये जादू टोना के लोग, ओके। आपको वो इतने अच्छे और इतने भोले भाले और इतने प्यारे प्यारे से लगेंगे आपको, क्यों पता है? अगर आप में ऐसा नहीं रहे तो आप उनके अगेंस्ट में जाएंगे, ओके। और आप उनके अगेंस्ट में जाके उनके कामों को तोड़ना शुरू करेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई फ्रेंडली है, अच्छा है, फेवरेबल लगता है, तो क्यों आप उनके अगेंस्ट में जाएंगे, ओके। तो आपकी ताकत इस दिशा में भटका देते हैं वो, कि आप उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे स्पिरिचुअली, ओके। क्योंकि आपको उनके ऊपर संदेह नहीं है, आया समझ में? ऐसा ये लोगों का, जादू टोना लोगों का काम रहता है। और वो पास्टर जब ऊपर आ रहे थे तब आपको पता लगेगा वो इतने बेहाल हो गए थे, नशे की तरह उनके ऊपर ऐसा एक स्पिरिट उतर कर आया था कि वो इतने बेहाल हो गए। वो बोल रहे, मैं नहीं जानता हूँ सिस्टर, मैं इस तरह से क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अभी झपकी लग जाएगी नींद की, इतनी इतने बोझ भरी हुई आंखें, नींद के डबडबाई आंखें, इतना इतना प्रेशर डार्कनेस का उनके ऊपर उतर कर आया था, ओके। वो एनर्जी को हमारे पूरी तरह से ड्रेन कर देती है वो स्पिरिट्स, ठीक है। और जब वो ड्रेन कर लिया, फिर बाद में आपको इस तरह से रहेगा जैसे आपको लगेगा मैं कहाँ एक ऐसे लेट जाऊँ और सो जाऊँ, मैं बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सच में आप फिर उस समय सो जाते हैं, और तभी ये स्पिरिट आपके बॉडी के अंदर, आपके सोल के अंदर, इमोशंस के अंदर आके बैठ जाती है,
ओके, और फिर बाद में वो आपके ऊपर अपना प्लान्स जो उनको जादू टोना करने वाले लोग बोलेंगे वैसा वैसा वो अंदर से आपको अगुवाई देते जाएंगे, और वो अगुवाई को आपको आपको लगेगा ये नॉर्मल है, नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये स्पिरिट्स है माय फ्रेंड्स, ओके। और बाहर से भी उनके स्पिरिट्स हमारे लिए लगाई जाती है। जब आपके अंदर स्पिरिट्स दे दिए तो बाहर लीगल ग्राउंड हो जाता है उनको स्पिरिट आना, ओके। और वो स्पिरिट फिर आपको ना डायरेक्शन भी चेंज करेंगे, अंदर से आपको वो स्पिरिट बोलेंगे ये लेफ्ट टर्न ले लो, और बाहर से आपको वो स्पिरिट दबाए रखेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेफ्ट में ही जाएंगे। इतना तक वो लोग कंट्रोल करते हैं। एक दिन ऐसा ही वो जादू टोना करने वाला इंसान का कुछ तो गड़बड़ी हो गया, क्योंकि उनका दरवाज़ा बंद करना और मेरा दरवाज़ा खोलना ऐसा नहीं चाहिए था, उनको कुछ अलग तरीके से चाहिए था, उनको चाहिए था ऐसा कुछ तो अपोजिट, पता नहीं क्या है वो, ब्लेसिंग्स को लॉकअप करना और ब्लेसिंग्स को उनके ब्लेसिंग्स को अनलॉक करना, अपने ब्लेसिंग्स को, हमारे ब्लेसिंग्स को लॉकअप करना, ये तरह का उनका दरवाजे के ऊपर काम चलते रहता है, गेट्स के ऊपर काम चलता रहता है। तो ऐसा कुछ होते समय उनका शेड्यूल कुछ तो मिसमैचिंग हो गया, मेरी ओर से कुछ अलग हो गया, उनकी ओर से कुछ अलग हो गया, तो उनको वो नहीं चाहिए था। तो वो इंसान इतना आगे दौड़ कर गया और आगे जाके उसने गेट को इतनी ज़बरदस्त लॉक ऐसे लगा दिए, उसका जो होता है गेट को ऐसे बंद करने वाला, तो उसको इस तरह से बंद करके गया कि वो मुझसे खुल ही नहीं रहा था। लेकिन वो लगाने तक, वो बंद करने तक मेरे ऊपर उसका दुष्ट आत्मा इस तरह से कंट्रोल लाया कि मैं आगे ही नहीं गई, मैं बार बार 3 बार पलट कर रिटर्न आई। ओके, मुझे ये सोच आया नहीं जाने से पहले मैं ये एक मैसेज देके जाऊँ ये रिश्तेदार को, ओके। फिर दोबारा मैं पलट कर आ गई और मैंने सोचा नहीं, छोड़ो बाद में आएंगे। फिर एक बार मैंने पलट लिया, नहीं जाकर बोल कर आ जाओ रिश्तेदार को, और फिर मैंने सोचा नहीं जाने दो नेक्स्ट टाइम। 3 टाइम्स मैंने ऐसे किया, क्योंकि उसका वो काम चालू था वो गेट के यहाँ पर कड़ी लगा देना, ओके। तो वो जैसे ही उसने वो काम ख़त्म किया निकल गया, तब जाके वो स्पिरिट जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहा था वो हट गया और फिर मैं आगे गई। इतना कंट्रोल किया जाता है जादू टोना के द्वारा, ओके। और आपको समझ में नहीं आता है ये सब बातें, तो आपको इतना ही है, आप अगर बिलीवर्स हैं तो आपको ये रहस्य सीख जाना है कि इनको हम तोड़ना है, इनके ऊपर हम अटैक करना है, और हम इसके हाथों में से हमेशा आज़ाद रहना है, ओके। और एक एक बार ऐसा भी हो चुका है कि जब हम लोगों को मालूम नहीं है कुछ भी, कि समझो फॉर एग्जांपल मंडे को मुझे बैंक में जाना है, या फिर मेरे मेरे पास एक बैंक में जाने का कोई तो एक ज़रूरी काम है, ओके, एक जस्ट मेरे पास एक काम है, बैंक में जाना है मुझे, या कोई ऑफिस में मुझे कुछ पेपर वर्क के लिए जाना है, कुछ भी मेरे पास एक काम है। तो वो इतना कंट्रोल कर देते हैं हमारे उस काम को लेकर कि वो ऐसा हमारे पास स्पिरिट रख देते हैं कि जब उनका एक समय है जादू करने का, उस समय में ही हमको वो काम याद आएगा और उनके वो समय के वक्त ही हम बाहर निकलेंगे, ओके। पूरे समय आपको वो काम करने का मन नहीं होगा, लेकिन एक वो समय रहेगा जब उनको चाहिए कि आप उनके जाल में फंसे, तभी वो थॉट आपके ऊपर आ जाएगा और फिर बाद में आप उसको उठाएंगे और इतना फ्रीली आप उसमें से होकर चलेंगे कि आपको लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, आज मेरा ये काम हो गया, नहीं वो काम याद आ गया, मैं करने के लिए जा रही हूँ वो काम, ऐसा भी हो जाता है। और फिर आप वो टाइम में उन्होंने फैलाया हुआ जाल रहता है उसके ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन प्रभु की दया है ऐसा कि मैंने हमेशा ही यीशु मसीह का खून यूज़ किया और हमेशा ही मैंने उनके कामों को फेल करना ही हमेशा मौका प्राप्त किया है, ठीक है। तो ऐसा है, ये सारी बातों को समझना है आपको, ये डी के ओलोकियो के पॉइंट्स क्यों हम सीख रहे हैं, इस तरह से हमें कंट्रोल किए जाते हैं, इस तरह से हमारे ऊपर बंदिशें लगाई जाती है। और मैं आपको बता देती हूँ, और भी एक तरह से वो लोग बंदिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझो आपको कैप्चर करना है उनका ऑरा, उनके ऑरा के अंदर आपको स्टेप करना है, समझो आप बैठे हैं
तो आपका एक ऑरा होता है डिस्टेंस तक, कुछ डिस्टेंस तक आपका फैला हुआ एक वातावरण रहता है खुद का। ओके, अगर वो चाहते हो कि उस वातावरण के अंदर आप आए, तो वो आपको अपोज करने वाले स्पिरिट नहीं रखेंगे, वो आपको फ्री लगने वाले स्पिरिट रिलीज करेंगे, ताकि आपको फ्री लगेगा और आराम से आप उनके ऑरा के अंदर होकर चले जाएंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अपोज हो रहा है मुझे। लेकिन जब आप उनके ऑरा में नहीं होकर जाना है, तो वो लोग रेजिस्ट करने वाला स्पिरिट आपके और उनके बीच में रखेंगे, ताकि वो स्पिरिट आपको इतना रेजिस्ट करेगा, वो आपको ऐसा महसूस कराएगा कि नहीं, मुझे उनके तरफ देखने का भी मन नहीं है, उधर जाने का भी मन नहीं है। ओके, रेजिस्ट करने वाला स्पिरिट लगा दिया। ऐसा स्पिरिट वो लोग यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से बैड हैबिट्स आ जाते हैं। इसकी वजह से जो भी है, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और क्या क्या करते हैं, सब कुछ जो हो रहा है। ओके, ये सारा जादू टोना के कारण वो स्पिरिट्स लोगों में आके बैठकर काम किए जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि ये लोग व्याकुल है छुटकारे के लिए, लेकिन इनको छुटकारा कौन देगा, इस तरह का उनके पास सवाल है। ठीक है, अगर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ये बातों में, हम एक तरह से देखेंगे तो हमारे पास परमेश्वर का अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, सामर्थ है। हमको उनके ऊपर ये डिलीवरेंस का काम करना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल, क्योंकि हमको वो करना ज़रूरी है। ओके, तो इस तरह से जब हमारे घर के लोगों के ऊपर बात आ जाती है, तब हमारा ये काम जो है बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। ओके, क्योंकि हम एक तरफ से इमोशंस में अटैच रहते हैं उनके साथ, और दूसरी तरफ से शैतान के साथ हम फाइट कर रहे होते हैं। इसके थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में। लेकिन वही अगर आप पराए लोगों के ऊपर आप ये प्रेयर्स यूज़ करेंगे, और आप उनको बचाने के लिए आप यूज़ करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपके अंदर का जो हियाव है, जो कॉन्फिडेंस है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे मात्रा में आपको मिलेगा, और परमेश्वर का सहायता रहेगा, और आप इमोशंस से डगमगाएंगे नहीं। ओके, आप रफ एंड टफ रहेंगे सैतान के साथ, लेकिन जब खुद के रिश्तों की बात आ जाती है, तब आपको इमोशंस के कारण काफ़ी काफ़ी जगह हमें दिक्कतें आती है। इसके लिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर्स को दूसरों का ऑपरेशन करना बहुत आसान है, लेकिन खुद के ही जो खून का रिश्ता है, उसका अगर कुछ ऑपरेशन आ गया करना है उनको, तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये एक है ऐसा सेंसिटिव एरिया रहता है इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ, इसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको आज मैं ये डॉक्टर डी के ओलोकियो का टीचिंग और प्रेयर पॉइंट्स के साथ लेकर आ रही हूँ। और इसको इंग्लिश में ऐसा है कि जादू टोना के काम कैसे होते हैं, और उसको किस तरह से डीकोड करना है, और उसके अंदर के सामर्थ्य को ख़त्म कर देना है। ठीक है, किस तरह से उसके जुड़ाव को तोड़ देना है, और मतलब उसने बंधे बंधाए जो कुछ भी है उनका हथियार, किस तरह से उसको अलग अलग करके, पुर्जे पुर्जे करके बिखरा देना है, इकट्ठे नहीं रहने देना है, और फिर बाद में उसकी कोई ताकत, कामबाजी भी उसकी पूरी तरह से जीरो कर देना है। ओके, तो हमेशा याद रखो, यीशु मसीह ने भी कहा है इसके बारे में, है ना, कि जो शैतान है, अगर वो शैतान के ही लोगों के साथ दुश्मनी करने लगे, तो उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, और वो डिसयूनिटी में हो जाएंगे, उनके अंदर एकता नहीं रहेगी, है ना। तो जहाँ पर घर के अंदर की एकता टूट जाती है, वो घर टिका नहीं रहता है, तो वो राज्य टिका नहीं रहता है। तो सैटन अगर उसके ही घर के अंदर दो अलग मन रखने लगा सारे उसके कामकाज में, तो फिर वो टिकेगा नहीं, उसका राज्य टिकेगा नहीं। हाँ, एक मन होने में राज्य टिकता है, घर के अंदर एक मन, एक सहमत होना है, तभी वो राज्य टिकता है। आया समझ में? तो इसकी वजह से ये शैतान का जो राज्य है, उसके अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि वो एकजुट होकर काम करते हैं।
हाँ, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। हकीम लोगों को देखेंगे तो उनके पास जो लोग जाते हैं कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि देखो आप सब जो यहाँ पर आए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप एक दूसरे के साथ स्माइल देकर हमेशा यूनिटी को प्रदर्शित करना। आप कभी भी देखना, जो जादू टोना करने वाले बिलीवर्स भी हैं तो आपको मालूम पड़ेगा वो लोगों का एक दूसरे के साथ, जो बाहर के लोग हैं अनबिलीवर से, फिर भी किस तरह से वो स्माइल देते हैं और दिखा देते हैं हम लोगों को कि हमारा मतलब उनका वो लोगों के साथ टाई अप है। ओके, इकट्ठे हैं वो लोग, अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो आपके अगेंस्ट जाएंगे, बिलीवर होकर भी बिलीवर्स के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन जादू टोना के वक्त में जो साथ में बैठे हुए लोग हैं उनके अगेंस्ट में वो लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बिलीवर्स लोग भी जादू टोना करते हैं, उनको भी आता है ये रहस्य, ये भेद आपको परमेश्वर खोल खोल के दिखाना चाहिए, नहीं तो आपको अगर नहीं दिखाया तो आप भी वो पास्टर की तरह धोखा खा जाएंगे। ओके, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप प्रभु में हैं, आप अभिषिक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन हमेशा याद रखो, हमेशा आपको सोल्डियर, एथलीट और फार्मर के गुण आपके अंदर पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहना है, एक्टिवेटेड रहना है कि कहीं पर भी आप ये तीन गुणों को छोड़कर नहीं चलना है। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबको आशीष करे। अगला वीडियो रिकॉर्डिंग हम डॉक्टर डी के ओलोकियो के रिकॉर्डिंग से शुरू करने वाले हैं। आमेन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन।